मेरे प्यारे भाइयों, कैसे बड़ा साहब, तो स्वागत है भाई एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि तुम्हारा भाई आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करेगा। भाई आज मतलब मैं जितना भी सारे जो गेमिंग लैपटॉप है वो भाई आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। और पहला वाला जो वीडियो था वो भाई मैं स्टूडेंट जो लैपटॉप होता है जो मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो भाई वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अगर आप लोग भाई चाहते हैं उसमें भी भाई एक बहुत बेहतरीन लैपटॉप मैंने बताया था। अगर आप लोग भाई देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो जाकर वहां से चेकआउट खुला रही चीज कर लेना। और उसके साथ ही साथ भाई देखो, गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो भाई उसका जो बेसिक जो स्पेसिफिकेशन है वो भाई मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका डिस्प्ले का बात करते, भाई डिस्प्ले जितना बड़ा होगा वो भाई मतलब सबसे भाई तकड़ा वाला होगा। और एक चीज बता देना चाहता हूँ भाई, इसके अंदर जो वेट है ना वो भाई थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर आप लोगों को ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिलेगा। भाई आएंगे सब कुछ, भाई रुको जरा सवार करो यार। तो सबसे पहले आप लोगों को भाई इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिलेगा। और भाई इसके अंदर जो मतलब फैन वगैरह है वो भी भाई तकड़ा वाला लगा होता है। तो भाई 2 kg या फिर उसके ज्यादा भी भाई वेट चला जाता है। तो वेट के मामले में तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि भाई वेट कम ले सकते हो, नहीं भाई, गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो वेट कभी भी कम नहीं होगा भाई। तो एक दो खास ऐसा ही होगा। तो ये तो भाई डिस्प्ले का बात था। अब जो है भाई कीबोर्ड का, जो मतलब लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है ना उसका बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर भाई आप लोगों को RGB फीचर्स तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि भाई आप लोग अगर नाइट में गेम खेल रहे हो तो हो सकते है कि आप लोगों को ऐसा मतलब लाइट वगैरह नहीं चाहिए। तो कीबोर्ड में मतलब बैकलिट कीबोर्ड होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ स्टोरेज के मामले में बात करूँ तो भाई SSD सबसे बहुत बढ़िया होता है। अगर भाई आप लोग ऐसा ले सकते हो कि भाई 256 GB SSD और 1 TB हार्ड डिस्क, तो वो भी भाई बहुत बढ़िया है। या फिर भाई आप लोग 1 TB SSD लगा सकते हो, जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल का गेम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ रैम का बात करें जो कि भाई 8 GB से शुरू होता है, जो कि 8 GB तो सबसे बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का होने वाला है। उसके साथ ही साथ भाई आप लोग अगर मतलब 12 GB, 16 GB, 20 GB, 32 GB अगर भाई लगा रहे हो तो भाई और भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। उसके साथ ही साथ और क्या बात रहेगा, हाँ भाई आप लोग अगर ले रहे हो तो भाई i5 12 जनरेशन ही लेना, क्योंकि भाई मतलब जनरेशन ज्यादा होगा तो भाई आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है वो भी भाई तकड़ा वाला देखने के लिए मिलेगा। तो भाई आज आप वीडियो को इंट्रो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन भाई ये आप लोगों को समझना जरूरी था। तो भाई देखो, सबसे पहला हमारे पास लैपटॉप भाई क्या है, तो भाई सबसे पहला जो हमारे पास लैपटॉप है वो है भाई MSI की ओर से, जो कि है भाई MSI GF63, जिसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे भाई i5 11 जनरेशन देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ इसका अगर रैम रोम का बात करें जो कि 8 GB रैम है और 512 GB SSD देकर रखा है, आप लोग इसको 1 TB से भी मतलब एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि आप लोगों के हिसाब से कर लेना। उसके साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को विंडोज 11 होम देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को जो बोला था ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था, जो कि गाइस आप लोग 4 GB ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा, और उससे ज्यादा अगर 6 GB 8 GB लगा सकते हो तो भाई वो भी लगा सकते हो। तो ये भाई डिपेंड करता है आप लोग कितना प्राइस रेंज में क्या लोगे। भाई मतलब जो आज का जो ये वीडियो है ना, ये मतलब भाई 50,000 से जो लैपटॉप वगैरह गेमिंग लैपटॉप वगैरह आता है वो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा ज्यादा बजट बढ़ते हुए जाएगा, जो लोगों का बजट ज्यादा है तो भाई वो लोग लास्ट तक वीडियो को देख सकता है। तो देखो भाई, पहले वाला तो देख लो भाई। तो ये जो लैपटॉप है इसके अंदर आप लोगों को 4 GB ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिलेगा, जो कि NVIDIA GeForce RTX 1650 का देखने के लिए मिलेगा, जो कि 60Hz के साथ चलता है। उसके साथ ही साथ इसका अगर डिस्प्ले का बात करें, जो कि 15.6 इंच का डिस्प्ले देके रखा है, इसके अंदर आप लोगों को 1.86 kg का वेट देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप लोगों को बोला ही था कि भाई ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसका प्राइस तो ज्यादा ही होगा। और इसके अंदर जो 8 GB का जो बात करा, उसके साथ ही साथ इसके अंदर और एक वेरियंट है जो कि है भाई 16 GB, जिसका भी ये दोनों का जो प्राइस है वो भाई अंडर 50,000 के साथ आ जाएगा। तो आप लोग अगर लेना चाहते तो भाई ले सकते हो, क्योंकि भाई क्या बोलते हैं इसको, जो कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के तो आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह मिल ही जाएगा। और प्राइस भाई आप लोग ज्यादा दे रहे हो तो भाई 16 GB लो, अब मैं तो भाई आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा। उसके साथ ही साथ इसका भी और एक भाई बड़ा भाई है, जो कि ये भाई 60,000 के अंदर आ जाएगा।
जो कि ये भी है भाई MSI G863 कोर i7 11 जनरेशन, जिसके अंदर आप लोगों को भाई 16GB रैम 1TB हार्ड डिस्क के साथ ही साथ भाई 256GB SSD देखने के लिए मिलेगा। और 11 भाई आप जो स्पेसिफिकेशन पहले वाला भी बताया था वो भाई सेम ऐसा ही है। और ये जो है भाई प्राइस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, मतलब स्पेसिफिकेशन ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब प्राइस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, है ना। तो चलो अब भाई अगले वाले में बढ़ते हैं। और उससे पहले इस वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो भाई एक एक लाइक करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो आप देखते हैं भाई अगला वाला लैपटॉप क्या है। अब अगला वाला जो लैपटॉप है वो है हमारा लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3, जिसके साथ ही साथ आप लोगों को i5 11 जनरेशन देखने के लिए मिलता है। और इसका अगर पूरा स्पेसिफिकेशन का बात करें जो कि 8GB रैम है, 512GB इसका SSD देके रखा है, विंडोज 11 होम है भाई, 4GB इसका ग्राफिक्स कार्ड देके रखा है जो कि NVIDIA GeForce GTX भाई 1650 देके रखा है जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आता है। और इसका अगर डिस्प्ले का बात करें जो कि 15.6 इंच का, और शायद से मेरे को लग रहा है कि बैकलिट कीबोर्ड होने वाला है ये लैपटॉप। और भाई मतलब वेट भाई बहुत ज्यादा है भाई, 2.25 kg का वेट देके रखा है इसके अंदर भाई। ये आप लोगों को मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो प्राइस वगैरह है वो आप लोग कार्ड डिस्काउंट मिला के आप लोग भाई काम कर सकते हो। और इसका जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट तो आप लोगों को बता ही दिया। और पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें जो कि आप लोगों को यहाँ पे भाई हर एक चीज पोर्ट्स एंड बटन्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है और भाई पोर्ट्स एंड बटन्स नहीं होगा तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये आप लोगों को ऐसा ज्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। HDMI पोर्ट, NVMe पोर्ट, भाई हर एक चीज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग भाई ये सारे जितना भी सारे मैं आप लोगों को लैपटॉप बता रहा हूँ ये सारे लैपटॉप भाई आप लोग फ्लिपकार्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को खत्म होने के बाद गाइस। तो आप देखते हैं भाई अगला वाला लैपटॉप भाई क्या है। अब अगला वाला जो लैपटॉप है वो है हमारा Asus की ओर से, जो कि है भाई Asus स्टाफ गेमिंग F50 नाम है, AI पावर्ड बाई गेमिंग करके कुछ नाम है, जो कि ये आता है भाई i5 11 जनरेशन के साथ। उसके साथ ही साथ भाई इसके अंदर आप लोगों को 8GB रैम और 512GB SSD देखने के लिए मिलेगा, विंडोज होम 11 होम देखने के लिए मिलेगा ही। और 4GB का जो NVIDIA GeForce RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के साथ आता है भाई, मतलब समझ रहे हो यार 70 वाट पावर कंज्यूम करता है इस क्या बोलते हैं इसको ग्राफिक्स कार्ड ने। और उसके साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो भाई 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2.30 kg का वेट देख रखा है। और पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में बात करें तो भाई आप लोगों को यहाँ पे भाई हर एक पोर्ट्स एंड बटन्स देखने के लिए मिल जाएगा, अवेलेबल है। और उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ वारंटी का जो है भाई 1 साल का कैरी इन वारंटी देखने के लिए मिलेगा, जो कि भाई आप लोग अगर कुछ गलत सीन होता है तो भाई आप लोग उसको जाके सीधा फिक्स कर सकते हो। तो ये भी जो इसका जो प्राइस है वो भाई पूरा 50,000 से लेके 55,000 के अंदर आ जाएगा। तो अभी तो भाई थोड़ा सा बजट उठते हुए जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, जो जो लोग मतलब थोड़ा सा ओवर बजट लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो मतलब सही भाई बहुत बढ़िया होने वाला है। तो भाई देखते हैं भाई अब अगला वाला लैपटॉप क्या है। अब अगला वाला जो लैपटॉप है वो भाई HP की ओर से है, और ये जो भाई लैपटॉप है ये भाई तीनों इसका वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि है इसका पहला वेरिएंट है वो भाई HP Victus नाम है इसका। इसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को i5 12 जनरेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 8GB 512GB रैम स्टोरेज के साथ आता है। उसके साथ ही साथ विंडोज 11 होम देखने के लिए मिलेगा, और 4GB ग्राफिक्स कार्ड देकर रखा है जो कि NVIDIA GeForce RTX 2050 साथ आता है, और 50 TGP इसका देकर रखा है, ये क्या पता है मेरे को पता नहीं है। उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे भाई 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2.37 kg का आता है। और इसके अंदर भाई आप लोगों को दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 512GB और 8GB, जिसका प्राइस है भाई 60,000 के अंदर। और 1TB 16GB जो है उसका जो प्राइस है वो भाई अंडर 65,000 के अंदर आ जाएगा, वही भाई कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के 60,000 भी आ जाएगा। और इसके अंदर भाई जो आप लोगों को बता है भाई बहुत भर भर के चीजें देख रखा है, और पोर्ट्स एंड बटन्स हर एक चीज है। और आप लोग अगर भाई इसको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हो तो भाई फ्लिपकार्ट पे जाके मैंने जो नाम बताया वो भाई जाके चेकआउट कर सकते हो, और भाई एक वन ईयर का वो एक मतलब वारंटी देखने के लिए मिल ही जाएगा। और उसके साथ ही साथ आप अगला वाला जो है ये भाई जो HP Victus जो बात है उसका भाई थोड़ा सा बड़ा भाई है, जो कि i7 12 जनरेशन है। और भाई जो स्पेसिफिकेशन जो बात है वो भाई सेम ही है, वो भाई 8GB था, ये 16GB है। और
इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भाई 4GB दे के रखा है और NVIDIA GeForce RTX 3050 इसके अंदर दे के रखा है। और इसका जो मतलब डिस्प्ले है वो भाई 15.6 इंच का ही है और 2.37 kg का इसका वेट दे के रखा है। उसके साथ ही साथ इसका जो प्राइस है अंडर 85,000 के अंदर आ जाएगा। वही भाई कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के आप लोगों को भाई 80,000 के अंदर आसपास देखने के लिए मिल ही जाएगा। और भाई ये भी 1 ईयर का वन ऑन साइट वारंटी भी इसके अंदर आ जाएगा। और उसके साथ ही साथ गाइस जो आप लोगों को भाई बता रहा था HP के बारे में और जो लास्ट वाला वेरिएंट है वो भाई HP विक्टर राइजन 5 हेक्सा कोर नाम है इसका, मतलब हेक्सा कोर इसका प्रोसेसर देख रखा है। और 8GB रैम है भाई, 512GB स्टोरेज देख रखा है। विंडोज 11 होम है भाई, 4GB रैम है, AMD रेडॉन RX 6500M का कुछ प्रोसेसर देखने के लिए ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिलेगा। 60Hz का इसका डिस्प्ले देख रखा है और इसका जो 15.6 इंच का इसका डिस्प्ले है और 2.37 kg इसका वेट देके रखा है। और ये जो प्राइस है अंडर 50,000 आ जाएगा। और ये तो गया 8GB, और जो 16GB का जो वेरिएंट का बात करें वो भाई अंडर 55,000 के साथ आ जाएगा। वही भाई कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला गया 50,000। और उसके साथ ही साथ भाई इसके अंदर भी आप लोगों को भाई फुल HD प्लस डिस्प्ले और 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो भाई ये आप लोग भाई जब लेने जा रहे हो तो भाई आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। और उसके साथ ही साथ भाई अब अगला वाला लैपटॉप क्या है वो भाई देख लेते हैं। अब अगला वाला जो लैपटॉप है वो है भाई फिर से MSI की ओर से, जो कि है भाई MSI GF63। और इसके अंदर आप लोगों को i7 11 जनरेशन जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो भाई है इसके अंदर। और इसके अंदर आप लोगों को 16GB रैम है, जो कि इसका भी भाई दो वेरिएंट अवेलेबल है जो कि भाई आगे जाकर बताएंगे। और ये जो है भाई 16GB है और 1TB हार्ड डिस्क के साथ आता है, जो कि 256GB इसके अंदर भाई SSD देखने के लिए मिलेगा, जो कि विंडोज 11 होम भी आता है इसके अंदर। और भाई 4GB ग्राफिक्स के साथ आता है, जो कि है भाई NVIDIA GeForce RTX 3050 के साथ आता है। और इसके अंदर आप लोगों को 144Hz का भाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। और इसका अंदर अगर जो डिस्प्ले का बात करें वो भाई 15.6 इंच का शैडो ब्लैक डिस्प्ले देख रखा है। या फिर नहीं भाई ये शैडो ब्लैक इसका जो कलर है वो भाई देखने के लिए मिलेगा। कलर भी इसके अंदर भाई दो अवेलेबल है, एक है भाई शैडो ब्लैक और है भाई सिर्फ ब्लैक करके। उसके साथ ही साथ इसका जो वेट है 1.86 kg का वेट देकर रखा है। उसके साथ ही से इसका जो वेरिएंट का बात कर रहे थे, जो कि 256GB और 16GB, जो कि है भाई ये 65,000 के अंदर आ जाएगा। और 512GB और 8GB जो वेरिएंट है वो भी भाई 65,000 के अंदर आ जाएगा। तो भाई आप लोग जब ले रहे हो भाई थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखते हुए भाई आप लोग ले सकते हो। और इसके अंदर भी भाई आप लोगों को 2 ईयर का वारंटी देखने के लिए मिलेगा। ये तो क्या भाई एक बार है छोटा भाई, और अब जो है ये थोड़ा सा बड़ा भाई होने वाला है, जो कि है भाई ये भी जो कि है भाई फिर से MSI का ही है, जो कि GF63 कोर ही है, जो कि है भाई i7 12 जनरेशन, वो भाई 11 जनरेशन था, ये भाई 12 जनरेशन है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को भाई एक ही वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 16GB 512GB SSD और 6GB का ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगा। भाई मतलब समझ रहे हो और कितना ज्यादा गलत तरीके से भाई आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे NVIDIA GeForce RTX 4050 का देखने के लिए मिलता है जो ग्राफिक्स कार्ड है, और 144Hz का रिफ्रेश रेट भी आता है इसके अंदर। और ये भाई 15.6 इंच का डिस्प्ले है और ये है भाई 1.86 kg का वेट। और इसके साथ ही साथ इसका जो प्राइस है ये भाई जो आप लोगों को 90,000 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, मतलब कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के आप लोग भाई इसको ले सकते हो, जो कि 80,000 के अंदर ही। तो भाई आप लोग अगर लेना चाहते हो तो भाई चेकआउट कर लेना। उसके बाद पहले सबसे पहले भाई आप लोग इसको फ्लिपकार्ट में जाके देखना, उसके बाद जाके आप लोग भाई मतलब खरीदना कुछ भी चीज अगर खरीद रहे हो तो। ये जो वीडियो है ये वीडियो का जो आखिरी वाला जो लैपटॉप है, जो कि सबसे तगड़ा वाला लैपटॉप है आज इस वीडियो का, तो वो है भाई Asus ROG Strix G15 करके नाम है, Ryzen 7 कोर दे के रखा है जो कि प्रोसेसर है इसका, और 16GB रैम है भाई। ये भी मतलब दो वेरिएंट में अवेलेबल है, वो भाई आगे जाके बताएंगे, जो 512GB है और भाई 1TB भी है, उस दोनों का प्राइस भाई आगे जाके बताएंगे। तो इसके
अंदर आप लोगों को विंडोज 11 होम भाई 4GB ग्राफिक्स कार्ड जो GTX RTX 3050 के साथ आ जाएगा। उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे जो 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा जो कि 2.10 केजी का आता है। और इसके अंदर जो लुक है ना भाई, मतलब सही है यार। अगर भाई आप लोगों का बजट इतना ज्यादा है ना, तो भाई आप लोग इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो, जो कि इसका जो 512GB का जो प्राइस है वो भाई अंडर 85,000 के अंदर आ जाएगा। और 1TB का जो प्राइस है वो भाई अंडर 90,000 के साथ आ जाएगा। वही भाई डिस्काउंट वगैरह मिला के आप लोगों को कम मिल ही जाएगा। तो भाई आप लोग अगर लेना चाहते तो भाई चेकआउट कर सकते हो ये सब जाके फ्लिपकार्ट पे। और इसके अंदर आप लोगों को 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा और 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो गाइस ये भाई जितना भी सारे में आप लोगों के साथ जो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप या फिर मल्टीटास्किंग पोजीशन के लिए आप लोगों के साथ लैपटॉप शेयर किया है वीडियो आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा जैसे उन्होंने बताना, और अच्छा लगा तो भाई एक एक लाइक करते जाना भूलना मत। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है मेरा वीडियो के जरिए तो भाई अगर हेल्पफुल लगा है तो तुम्हारा दोस्त से जो भी भाई लैपटॉप खरीदना चाहते उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। हो सकता है कि भाई उसको भी कुछ हेल्पफुल होगा। और भाई मेरा चैनल पर हर एक चीज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर वहां से भी आप लोग चेकआउट कर लेना भाई आप लोग अगर कुछ भी खरीदना चाहते हो। तो चलो जी मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप वाचिंग टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल, और फैला देना भाई वीडियो को तुम्हारा दोस्त रिश्तेदार का ग्रुप में। तो चलो जी आज के लिए इतना ही, बाय।